हेलो एवरीवन, इमरामा टैरो पे वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम है दीपाली कौल और ये रीडिंग है जैन मंथ के लिए। ऑल्सो वो न्यू ईयर आने वाला है, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर टू ईच वन ऑफ यू। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज बताइए लीब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन। ब्लेसिंग्स, ब्लॉकेजेस, वार्निंग्स, जो भी मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए फॉर द मंथ ऑफ जैन फॉर लीब्रा। क्वीन ऑफ कॉइन्स फॉर फर्स्ट 10 डेज, एट ऑफ सोर्ड्स फॉर मिडिल 10 डेज, थ्री ऑफ कप्स फॉर लास्ट 10 डेज। ओके, अब देखिए लीब्रा, यहाँ पे मैंने 10 10 डेज में ये रीडिंग डिवाइड करी है, बट जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, दिन पे इतना फिक्स मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब हमारे पास फर्स्ट 10 डेज के लिए, फर्स्ट टू 10 जैन के लिए क्वीन ऑफ कॉइन्स है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आप अपनी किसी तरीके की हीलिंग करवा रहे हैं, ठीक है, जैन स्टार्ट होते ही आपकी हीलिंग चल रही है, कोई रेकी हीलिंग हो सकती है, या फिर आप हीलर खुद बन रहे हैं। आप में से कई लोग ऑलरेडी शायद हीलर हो, बट आप हील कर रहे हैं किसी और को या खुद की हीलिंग करवा रहे हैं, बट मुझे हीलिंग वाली एनर्जी आ रही है। ऑल्सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास ना पैसा आ रहा है, साल की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है, आपके पास पैसा आ रहा है, लग्जरी दिख रही है मुझे यहाँ पे, आप एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते हुए दिख रहे हैं, एटलीस्ट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, स्टार्टिंग फर्स्ट 10 डेज में। ऑल्सो कई चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जिसको लेकर आप अभी तक लाइफ में बहुत इमोशनल थे, बहुत इमोशनली डील करते थे उन चीजों से, बट इस फर्स्ट टू 10 जैन में ना आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाओ, आप उन चीजों को लेकर थोड़े प्रैक्टिकल हो जाओ कि नहीं, इमोशनल होके तो ये चीज नहीं चलने वाली है बॉस, मुझे प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। तो वैसे चेंज होते थोड़े से दिख रहे हैं आप, प्रैक्टिकल होते दिख रहे हैं। ऑल्सो कई लोगों के लिए ये थोड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आप में से कोई मदर बनने का प्लान कर रहा है तो वो चीज सक्सेसफुल हो सकती है, आप कंसीव कर सकते हैं, अगर नहीं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट इफ नॉट मदर देन मे बी, एक वो थोड़ी नर्चरिंग वाइब होती है ना, जब आप किसी रिलेशनशिप को या किसी प्रोजेक्ट को या किसी ऑफिस को, लाइक बोलते हैं ना, ये प्रोजेक्ट इज लाइक अ बेबी, इट्स माई बेबी, तो आप किसी चीज का इतना ध्यान रखो जैसे एक माँ ध्यान रखती है, लाइक एक उसको पनपने देना, उसको बढ़ने में हेल्प करना, उसको नर्चर करना, वैसी कोई चीज हो सकती है जो फर्स्ट 10 डेज में आपकी थोड़ा सा रिलेटेड हो। बट लग्जरी दिख रही है मुझे, प्रैक्टिकल होते दिख रहे हैं आप, हील होते दिख रहे हैं। अब देखिए मिडिल 10 डेज के लिए हमारे पास है एट ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, आपकी एनर्जी है। मुझे ना मिडिल 10 डेज में थोड़ा आपकी ऐसी वाइब आ रही है जिसमें आप किसी चीज को लेकर थोड़े से एंग्शियस हैं, क्योंकि आप किसी चीज में फंस से गए हैं या फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं आप मिडिल 10 डेज में, 11 to 20th, प्लस माइनस फ्यू डेज। आप ट्रैप्ड फील कर सकते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर सकते हैं, या तो लिटरल सेंस में हो सकता है आप मिडिल 10 डेज में कहीं पे फंस जाएं, लिफ्ट में फंस जाएं, झूले पे फंस जाएं, अटक जाएं कहीं पे, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप या जॉब हो सकती है जहां पे आप थोड़ा फंसा हुआ महसूस करें, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलूं, इस चीज से बाहर कैसे निकलूं, तो उस चीज को लेकर आप थोड़ा सा एंग्शियस भी फील कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट 10 डेज, प्लस माइनस फ्यू डेज, 21st to 31st, थ्री ऑफ कप्स है हमारे पास, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अब देखिए एंड ऑफ जैन जो मुझे दिख रहा है वो है काफी ज्यादा सेलिब्रेशन से भरा हुआ, दोस्त हैं, सेलिब्रेशन है, पार्टीज हैं, तो हो सकता है किसी की शादी हो, इस वजह से सब मिल रहे हैं, साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बैचलर्स हो किसी की, बैचलरेट हो किसी की, कोई एंगेजमेंट रोका हो सकता है, या फिर शायद कोई इंसान किसी को पीआर मिल गया है तो वो बाहर शिफ्ट हो रहा है, कोई जॉब या कोई एजुकेशन के पर्पस से बाहर शिफ्ट हो रहा है, तो इस वजह से सब लोग मिल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं साथ में, वैसी भी वाइब हो सकती है। बट एंड ऑफ जैन में आप अपने दोस्तों से मिल रहे हो, उनके संग गप्पे मार रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी करते दिख रहे हैं, हल्ला गुल्ला दिख रहा है मुझे, टू बी ऑनेस्ट खुशी दिख रही है मुझे, खुश हैं आप एंड ऑफ जैन में।
हो सकता है जिस चीज से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, जिस जॉब से या जिस रिलेशनशिप से, उससे आप बाहर निकल आए एंड दैट इज वाई आप यू आर सेलिब्रेटिंग। हो सकता है उस चीज का शगुल शुगल मनाया जा रहा है कि ठीक है सेलिब्रेट करते हैं। देखते हैं लव मैसेजेस क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताइए लीब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं जैन मंथ के लिए। लव मैसेजेस जैन 2024 फॉर लीब्रा। यी हा लीब्रा, देखिए जिस भी आप रिलेशनशिप में हैं या होने वाले हैं, आगे कोई आने वाला है, ये जो कनेक्शन है ये आपका बहुत ही फ्रेंडली होगा। ठीक है, ये इंसान अगर कोई ऑलरेडी लाइफ में है एंड लेट्स से वो बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है, टॉक्सिक है, सो देन ये वाला जो पॉइंट है ये आपके लिए नहीं है। हर चीज को जबरदस्ती अपनी लाइफ में फिट करने की जरूरत नहीं है। जो पॉइंट मैच कर रहा है उसको उठाएं, जो पॉइंट मैच नहीं कर रहा है उसको परे रख दे, साइड रख दे। हर चीज को जबरदस्ती फिट ना करें लाइफ में। बट आपको कोई ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आप बहुत फन करो, बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह आप कंफर्टेबल फील करो इस इंसान के साथ, कंफर्टेबल एंड सेफ फील करो इस इंसान के साथ। कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होगी, ठीक है, तो वैसा कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगर कोई ऑलरेडी कोई इंसान है तो उसके साथ ऐसी चीज की शुरुआत हो सकती है। ड्वेल ऑन व्हाट यू लव, देखिए जिस जो चीज से प्यार है, जिस चीज से प्यार है उस पे ध्यान दीजिए, उस पे टाइम जाया करिए, जाया करिए, इन्वेस्ट करिए, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करनी है आपको। बट जिस चीज से प्यार है, जिस चीज से, जिस इंसान से खुशी मिलती है उस पे टाइम लगाइए, उस पे टाइम इन्वेस्ट करिए, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करिए। जिस चीज से खुशी नहीं मिलती है, जिस चीज से आपको कोई एक कहते ना वो एक अच्छी सुकून वाली फीलिंग नहीं आती है, उसमें टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। ट्रैप्ड एंड एंशियस फील कब तक करते रहेंगे, वहां से बाहर निकलिए, उस चीज पे ध्यान दीजिए जिससे आप प्यार करते हैं। ठीक है, तो वो सेलिब्रेशन भी शायद इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि आप बाहर निकल आए हैं उस चीज से, क्योंकि आपने ये चीज पे ध्यान दिया जैन मंथ में कि मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना है, मुझे उन चीजों पे ध्यान देना है जो मुझे पसंद है, जिससे मैं प्यार करता हूं, कोई इंसान या कोई शौक या कोई यू नो पैशन, वैसी कोई चीज हो सकती है। यू आर बींग वॉश्ड बाय लविंग आईज। देखिए लीब्रा यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि कोई है जो आपको दूर से देख रहा है, निहार रहा है, हो सकता है सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा हो। फिजिकल स्टॉकिंग नहीं दिख रही है मुझे, मतलब ऐसे कोई पीछे पीछे घर तक नहीं आ रहा है, बट हाँ आप पे नजर जरूर रखी जा रही है। आपको सोशल मीडिया पे मे बी स्टॉक करा जा रहा है, आपके बारे में पूछा जा रहा है कि अच्छा यू नो लाइक लीब्रा कहाँ पर है, कैसे है, क्या कर रहे हैं। बट ये इंसान आपको दूर से निहार रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। अब हम देखेंगे टी लीफ फॉर्चून डेक से हमारे पास क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताइए लीब्रा के लिए जैन मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं लीब्रा के लिए फॉर द मंथ ऑफ जैन। सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। देखिए कोई ऐसी चीज हो सकती है जैन मंथ में जहां पे आपको एक्सपेक्टेशन कुछ और हो बट हो कुछ और जाए, तो आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाओ कि अरे यार ये मेरे हिसाब से नहीं हुई। क्योंकि देखिए एट ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, थोड़ा सा आप एंग्शियस तो हैं, आप बंधा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी को बोलना चाहते हैं कि नहीं मुझे ये चीज ऐसे चाहिए, बट दूसरा अपने हिसाब से कर रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है, तो आप डिसअपॉइंट हो जाओ क्योंकि चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है एंड बोल कुछ पा नहीं रहे हो आप, तो वैसी कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। थोड़ा सा कोशिश करिए कि अपनी चीज ट्रांसपेरेंट होके दूसरे को बता दें, आप दूसरे को एक्सप्रेस कर दें, अपने अंदर ना रखें वो चीज। यूनिवर्स लीब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं जैन मंथ के लिए। कैरेज, अ जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल। देखिए कोई ट्रैवलिंग हो सकता है आपका फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू डेस्टिनेशन बी, या फिर मेंटल जर्नी भी हो सकती है आपकी। आप शायद ये सोचो जैन मंथ में फाइनली कोई ऐसी चीज हो जिससे आप ये रियलाइज करो कि यार मैंने कैसे स्टार्ट किया था और अब मैं कहाँ आ गया हूँ। यू नो एक मेंटल जर्नी कि मैं जब था, जब मैंने ये चीज स्टार्ट करी थी तो मैं क्या हुआ करता था और अब मैं क्या हूं। तो आप अपना शायद एक लाइफ की जो जर्नी है वो आप सोचो जैन 2024 में, उस पर आप ध्यान दो एंड रियलाइज करो कि आप कितनी आगे आ गए हो। पीछे तो नहीं गए हो आप, बट आगे आ गए हो। ठीक है, तो वो चीज भी हो सकती है यहाँ पे। एक सेकंड में कार्ड्स थोड़े से ऑर्गेनाइज कर लूं।
जब भी मैं कार्ड निकालती हूँ तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। यूनिवर्स प्लीज बताइए लीब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन। बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ, कोई आपके बारे में सोच रहा है लीब्रा, जैन मंथ में या अदरवाइज, बट कोई इंसान है जो आपको दूर से देखता है, आपको निहारता है, आपके बारे में बात कर रहा है एंड आपके बारे में सोचता भी है। तो ये इंसान या तो कोई ब्रेकअप हुआ हुआ है किसी से, तो वो इंसान आपको शायद स्टॉक करता है ना, आपको अभी तक आपके बारे में सोचता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे आप अभी तक मिले नहीं है, वो आपको पसंद करता है बट बता नहीं पा रहा है एंड वो भी आपके बारे में सोचते हैं, वैसी भी कोई वाइब हो सकती है। बट हो सकता है आप अपने पेरेंट्स से कहीं दूर रह रहे हो और आपके पेरेंट्स आपको बहुत मिस करते हो, बहुत याद करते हो। हमारे पास है लेटर के, लेटर ए, के ए किसी के इनिशियल्स हो सकते हैं, कोई कर्नाटका से हो सकता है। स्कॉर्पियो साइन काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। कोई इंसान है जो कि, देखिए यहाँ पे हमारे पास जिन भी है, वाइन भी है, शैंपेन भी है, सेलिब्रेशन, थ्री ऑफ कप्स, तीन बॉटल्स, थ्री ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली है जैन मंथ में किसी ना किसी चीज को लेकर। देखिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन भी है, चीजें बदल रही हैं, आपकी आपका आई थिंक साल चेंज हो रहा है, आपकी किस्मत बदल रही है, आपकी डेस्टिनी, आपकी लोकेशन या नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में हो रहा है बट चीजें चेंज हो रही हैं। आई थिंक कोई ना कोई आपकी लाइफ में है जो आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है, प्रिंस या प्रिंसेस की तरह, या फिर आप शायद किसी को करते हैं, या जैन मंथ में हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एंटर करे जो आपको बहुत पैम्पर करे, बहुत गिफ्ट्स दे आपको, बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल हो सकता है आपका अगर आप उनके साथ हो तो। ट्रांसफॉर्मेशन, ए के ए इनिशियल्स मैंने आपको बता दिया। कोई हो सकता है आप में से जो कैप पहनता हो, शायद बाल कम है तो इस वजह से कैप पहनते हैं, या फिर कोई बेसबॉल या ऐसे कुछ कहीं पे आपका कुछ स्पोर्ट्स में हो सकता है जहां पे आपको कैप पहनी पड़ती हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, क्रिकेट वगैरह। बट यस, मोस्टली मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से लीब्रा। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज लाइक करें वीडियो, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का। थैंक यू, बाय।